भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए, भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले, आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लासित बोरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। पंचाश बीघा माटि आमि जी राइजर बा लैछो सेइ माटि खेनि आबरि एटा सुन्दर प्रकल्प निर्माणर काम आगबाढ़िछे। और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गवाह रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंककर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। लासित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराई घाट पे जो साहस दिखाया, मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। लासित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं मुगल विजयी वीर का नाम इतिहास में दर्ज है।